Hey guys, welcome back to my another video. आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। आज जैसे कि देख सकते हो कि मेरे का जैसे एंगल चेंज है, उसी के साथ कंप्यूटर भी अपग्रेड कर लिया है कि जिससे आपको अच्छी और वीडियो मिल पाए। और आपको बस क्या करना है, सपोर्ट दिखाने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आया, कुछ भी ऐसा लगे कि भाई कुछ काम का बोला है मैंने, तो आपको लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और कुछ गलत बोला हो तो कमेंट करो। और अगर ऐसा भी लगे कि कुछ ज्यादा कम बोल दिया तो कमेंट कर सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि नेक्स्ट वीक फ्यूचर की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के टाइम जानते हो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, उसके साथ साथ कहीं ज़्यादा मतलब अप और डाउन्स होते हैं। तो ऐसे में हमारी परंपरा तो ये कहती है कि ऐसे में कोई भी स्टॉक ऐड नहीं करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और मैं बताता भी नहीं हूँ वैसे। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार अब देखो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड के साथ हमें भी चेंज होना चाहिए। तो ट्रेंड अब एक ये कहता है कि भाई जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे वहाँ करो, इसीलिए कुछ स्टॉक्स लिए हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप देख सकते हो, वरना इग्नोर। तो शुरू करते गाइस आज की वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी, और निफ्टी में हम देख रहे हैं उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस नेक्स्ट वीक के लिए। सपोर्ट हमें गाइस मिलेगा नेक्स्ट वीक के लिए 18,100, 17,900, 17,800 पे। रेजिस्टेंस हमें गाइस मिलेगा 18,400, 18,500, 18,600 पे। अब बात करते हैं गाइस निफ्टी के डेली चार्ट की। निफ्टी के गाइस अगर यहाँ पे अगर आप देखो डेली चार्ट में, तो आपको दिखेगा कि एक यहाँ पे अच्छा सा उछाल, उसके बाद ऊपर, उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की ओर। और जैसे कि यहाँ पे अगर आप कर्व देखो, मतलब कि ये ऊपर की ओर लाइन देखो, परफेक्ट तो नहीं बनी लेकिन आप समझ लेना, लाइन देखो तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर इंडिकेट कर रही है, और मोमेंटम भी नीचे हो गया है। तो मोमेंटम भी डाउन है, लाइन भी हम अगर यहाँ पर ऊपर से देख रहे हैं नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो ये एक सीधा सिंपल करेक्शन का इंडिकेशन है। और करेक्शन मुझे लग रहा है 18,100 तक आएगा, वो अगर गया नीचे तो 17,900 तक देखेगा। अब यहाँ पे हम देखें दूसरी चीज़ मूविंग एवरेज जो, तो वो भी हमें इंडिकेट कर रही है कि धीरे 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 यहाँ पे बाइंग कम आ रहा है, और जो बाइंग कम आ रहा है उसके साथ साथ हमारी जो ये ऊपर की लाइन है वो भी नीचे नीचे की ओर जा रही है। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पे अगर एक और नीचे की ओर रेड कैंडल मंडे को भी बन गया, सिर्फ मंडे को, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे की ओर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। RSI देखो तो RSI में भी ये नीचे की ओर मोमेंटम अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, और मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, हल्के में मत लेना उसको। तो ओवरऑल ये भी इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की ओर करेक्शन आएगा। ठीक है, ये है डेली चार्ट की बात। और डेली चार्ट जैसे मैं बोलता हूँ डेली काम करते हैं, तो ये सब मंडे और ट्यूसडे के लिए है। अब आते हैं गाइस वीकली चार्ट पे। जो गाइस वीकली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर, उसके बाद करेक्शन। ठीक है, अगर इसको करेक्शन भी नहीं बोल सकते, इतना छोटू सा अभी क्या करेक्शन बोलना गाइस, तो ये वो कंसोलिडेट किया है और कुछ नहीं है, करेक्शन भी प्रॉपर नहीं है। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे है, वो है हमारी मूविंग एवरेज। अगर यहाँ पे आप अगर देखो तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे नीचे की ओर बाइंग दिख रही है, और जो ये बाइंग है वो हल्की सी पिछले 2 वीक कम हो गई है, मोमेंटम के साथ नहीं हुई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी बाइंग है, कम नहीं हुई है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये बाइंग जो अभी हुई है वो कंटिन्यू रही या थोड़ी कम भी हुई, तो नीचे की ओर करेक्शन बड़े नहीं आएंगे, हल्के से करेक्शन, जैसे मैंने बोला 18,100, क्योंकि वहाँ पर एक गैप है वो फिल करने जा सकता है, तो हल्के से करेक्शन देखने को मिलेगी ओवरऑल। लेकिन वीकली एंड में वापस से हमें बाइंग देखने को मिलेगी, मतलब फ्राइडे को वापस से बाइंग आ सकता है, तो मंडे को करेक्शन, फ्राइडे को बाइंग, तो ओवरऑल यही लग रहा है। RSI की बात करें तो RSI अभी चल रही है 63, ओवरबॉट 70 पे, तो अभी काफ़ी जगह है ऊपर जाने के लिए। लेकिन चार्ट के मोमेंटम के हिसाब से मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा गिरावट जैसा लग रहा है, फ्राइडे को थोड़ा सा लग रहा है बाइंग आ जाएगा, थोड़ा न्यूट्रल कर लेगा, या तो थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी में बड़े करेक्शन नहीं दिख रहे, हाँ करेक्शन दिख रहे, वापस से बोल रहा हूँ करेक्शन दिख रहे, 18,100 तक दिख रहा है। तो ये बात थी गाइस निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में गाइस रेजिस्टेंस हम नहीं देखेंगे, सिंपल सी बात है, ऑल टाइम हाई जा चुका है और लग रहा है कि भाई कोई रेजिस्टेंस काम करने वाला है ही नहीं, तो उसकी बात नहीं कर रहे। अब बात करते हैं हम उसके सपोर्ट की। सपोर्ट की बात करें नेक्स्ट वीक के लिए, तो सबसे पहले मिलेगा 42,100, 41,700 और 41,400 के करीब। तो ओवरऑल अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की। डेली चार्ट की माने तो गाइस नीचे की ओर यहाँ से जो चला है तो थोड़ा सा न्यूट्रल हो चुका है पिछले 2 दिन, ऊपर की ओर कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। उसका सिंपल रीज़न मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज देखोगे
तो नीचे की ओर जो आपको ये कैंडल्स दिख रहे हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं कि बाइंग कितना हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बाइंग धीरे 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 कम होता जा रहा है, कोई बड़े बाइंग नहीं हो रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो ये सिंपली हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, गैप अप हुआ तो अलग बात है, लेकिन रनिंग मार्केट में, चालू बाजार में ऊपर की ओर ब्रेकआउट होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अभी के लिए। तो ये कोई फैंटेसी नहीं है कि भाई आप बोलोगे और वो हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला क्योंकि बाइंग ही नहीं आ रहा, कोई बाई नहीं कर रहा। अगर ओवरऑल बात करो मूविंग एवरेज की, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से धीरे धीरे हमारी लाइन्स है वो भी काफ़ी करीब आती जा रही है, लेकिन वो लगातार एक मोमेंटम में चली जा रही है, ना ही कोई बड़े ब्रेकआउट की बात कर रही है, ना ही कोई नीचे की ओर करेक्शन देखने को दे रही है। तो ये इंडिकेट हो रहा है कि भाई आने वाले दिनों में यहाँ पे एक टाइम करेक्शन भी वापस हो सकता है नीचे की ओर। जैसे मैं निफ्टी में बोला, बैंक निफ्टी में बता दूंगी, नीचे यहाँ पे एक गैप है, उसको तो निकाल देता हूँ। हाँ, नीचे यहाँ की ओर एक गैप है, वो फिल करने के लिए आ सकता है 41,700 या 41,600 के करीब। उसके अलावा नीचे की ओर बड़े करेक्शन हमें देख नहीं पा रहा हूँ अभी के लिए, तो बड़े करेक्शन नो है बैंक निफ्टी के लिए। आरएसआई की बात करें, आरएसआई चल रही है 68, ऑलमोस्ट हमारी ओवरबॉट हो चुकी थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद उसने करेक्शन दे दिया, टाइम करेक्शन शुरू हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की ओर लगातार कोई बाइंग कर रहा है, लेकिन ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिख रहा है, इसीलिए ब्रेकआउट नहीं हो रहा है ऊपर की ओर। तो ये एक सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने लिया है उनको पैनिक करवाओ, उनको निकाल दो, सेल करवाओ, और वापस से जो बड़े लोग हैं वो बाय कर लेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन मंडे और ट्यूसडे को अगर रेड कैंडल बने बैक टू बैक, मंडे को भी और ट्यूसडे को, मतलब सोमवार और मंगलवार को भी रेड कैंडल्स बने, तो समझ जाना कि वहाँ से एक करेक्शन शुरू हो चुका है और हमें 41,700-41,600 के करीब देखने को मिलेगा एक करेक्शन। तो ये बात थी डेली चार्ट की। अब बात करेंगे वीकली चार्ट की। बैंक निफ्टी में अगर वीकली चार्ट देखे तो नीचे की ओर यहाँ से बड़ा था लगातार, और मोमेंटम के हिसाब से वो ऊपर ही जा रहा है। और उसका मूविंग एवरेज भी देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले वीक जो हमारा बाइंग था उससे हल्का सा ऊपर गया है, नीचे की ओर नहीं आया है, लेकिन ये सिर्फ हल्का सा ऊपर गया है। बहुत ज़्यादा ऑन ऑन एवरेज बड़ी बाइंग्स नहीं दिख रही है वीकली चार्ट में भी। तो ओवरऑल कोई ब्रेकआउट के संकेत अभी भी नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई है, तो कितना भी जा सकता है धीरे धीरे धीरे, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, ये बता सकते हैं कि नीचे की ओर बाइंग आ रहा है, ये गलत चीज़ नहीं है। नीचे की ओर हर गिरावट पर कोई बाइंग कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला मंडे और ट्यूसडे को अगर बैक टू बैक रेड कैंडल बना तो समझ लेना वहाँ से हमें जो गैप्स है वो फिल करने के लिए नीचे आएगा, करेक्शन उतना होगा। आरएसआई की बात करें वीकली चार्ट में, आरएसआई चल रही है 69, अगर एक और नेक्स्ट वीक धक्का लगा ऊपर की ओर तो समझ लेना ओवरबॉट में चले जाएगा हमारा पूरा जोन में, और वहाँ से कुछ भी हो सकता है। ऐसे टाइम पे हमें सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है, कोई भी बाइंग नहीं करनी है, छोड़ देना है। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की गाइस। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो गाइस, सबसे पहला स्टॉक जो आज के लिए मैं देख रहा हूँ वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट देखने की गाइस सिंपल वजह यह है कि जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, उसी लाइन के हिसाब से धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है, और इतने खराब मार्केट में जब फ्राइडे हो इतना गिरा और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है इसमें बाइंग आ रहा है, शायद ज़्यादा नहीं धीरे जा रहा है इसीलिए, लेकिन हल्का सा आ रहा है। तो ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, इसीलिए हम शॉर्ट प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं। इसकी भी सारी डिटेल होगा आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस, इसके बाद का दूसरा स्टॉक जो मैंने लिया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। M&M लेने की गाइस सिंपल सी वजह यह है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1200 के करीब। अगर 1200 या उसके नीचे आपको दिख रहा है तो आप एक शॉर्ट SL के साथ बाय कर सकते हो, वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इसकी भी सारी डिटेल होगा आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस, आज का तीसरा स्टॉक हमारा है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो लेने की गाइस सिंपल सी वजह ये है कि यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग शुरू हुआ है, और चार्ट ने भी यहाँ पे हमें सिग्नल दे दिया है कि भाई यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग मुझे लग रहा है गाइस कि अच्छा खासा 3550 या उसके नीचे शायद देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट कवर में शॉर्ट प्रॉफिट तो आराम से हो सकता है हमारा। तो इसकी भी जो साइड डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखेगी इसमें। तो आज का जो गाइस आखिरी स्टॉक है वो है LTI। LTI लेने की गाइस सिंपल सी वजह ये है, यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसने करेक्शन दिया है, लेकिन जब हम वीकली चार्ट देखते हैं इसका, तो वीकली चार्ट में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई वो उसने ये जो कैंडल है वो रिट्रैक्ट किया है, ये जो पूरा करेक्शन हुआ है, तो हम इसका जो लो है उसको SL बना के यहाँ पे अगर बाय करें तो हमें शायद ये वापस से कैंडल ऊपर की ओर देखने को मिले 5000 या उसके ऊपर 5050, तो वहाँ तक से एक शॉर्ट कवरिंग होगी और वहाँ पे हमें शॉर्ट प्रॉफिट आराम से हो जाएगा।
तो इसकी भी सारी डिटेल वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप आपको जो मैंने अभी इतना सब बोला वो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, मतलब अभी क्या इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सा भी आपको इम्पोर्टेंट लगा हो या ऐसा यूजफुल लगा हो या ऐसा लगा हो या बंदे ने कुछ मेहनत की है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, नीचे लाइक दिया हुआ है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन वो दिख रहा है उस पर क्लिक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और कुछ ज़्यादा कम बोल दिया है तो कमेंट कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। तो गाइज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको गाइज हैप्पी अर्निंग।